हेलो फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को शेक करते समय अक्सर महिलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी और ज्यादा भद्दी दिखाई देने लगती है। वैक्सीन के दर्द से बचने के लिए लेडीज ज्यादातर शेविंग का प्रयोग करती हैं, और इसीलिए जब भी वो शेविंग का प्रयोग करती हैं तो कोई ना कोई गलती उनसे जरूर हो जाती है। अगर आप भी उन्हीं लेडीज में से एक हैं जो अपनी बॉडी को शेव करवाना ज्यादा प्रेफर करती है वैक्सीन कराने की बजाय, तो आपको कुछ गलतियों से सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। गलती नंबर 1, अगर आप शेविंग का प्रयोग करती हैं तो अपने हाथ या पैर को शेव करने के वक्त आपको बहुत तेजी से अपने रेजर को चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर हमारे आधे बाल स्किन पर रह जाते हैं और आधे ही निकल पाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप तेजी से शेविंग करती हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन भी कट सकती है। गलती नंबर 2, जब भी हम अपनी बॉडी को शेविंग करने के बारे में सोचते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पुरुष शेविंग करते हैं तो वो पहले क्रीम लगाते हैं। ऐसा करने से बाल काफी मुलायम हो जाते हैं और आसानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। टाइम बचाने के चक्कर में वो सीधा रेजर का ही प्रयोग अपनी स्किन पर कर लेती हैं और क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद ही रेजर का प्रयोग करें। गलती नंबर 3, अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप रेजर यूज करने से पहले अपने हाथ पैरों को गीला भी नहीं करती हैं? तो ये बहुत गलत बात है। रेजर इस्तेमाल करने से पहले अगर आप क्रीम नहीं लगा सकती हैं तो पानी जरूर लगाइए अपनी स्किन पर। ऐसा करने से स्किन काफी हद तक मुलायम हो जाती है। गलती नंबर 4, एक ही ब्लेड के रेजर का प्रयोग करना। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पुरुष अच्छे से अच्छी दाढ़ी बनाना चाहते हैं या फिर शेविंग करना चाहते हैं तो वो जिस रेजर का प्रयोग करते हैं उसके अंदर 2 से 3 ब्लेड्स होते हैं, जो कि बहुत ही सफाई के साथ सारे बालों को बाहर निकाल देता है और काफी अच्छे स्किन को उन्हें प्रदान करता है। इसीलिए अगर आप भी शेविंग करती हैं तो आपको एक ब्लेड के अलावा भी 2 से 3 ब्लेड्स का प्रयोग अपने रेजर में करना चाहिए। गलती नंबर 5, बॉडी को स्क्रब ना करना। बॉडी को स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बॉडी की जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, और जब भी आप शेविंग करते हैं तो आपकी स्किन काली नहीं पड़ती है। इसीलिए बॉडी को स्क्रब करना भी बहुत जरूरी है। गलती नंबर 6, जो कि ज्यादातर महिलाएं कर लेती हैं, अपने रेजर को किसी और के साथ शेयर करना। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने मेकअप को, अपने बालों की कंघी को, अपने ऑयल को, क्रीम्स को और रेजर को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी शेविंग करती हैं तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।